आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इसरो का अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के 16 मिनट बाद जब चंद्रयान 2 पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित हो गया, तब जाकर इसरो के वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली और ताली बजाकर एक दूसरे को उन्होंने बधाई दी। आपको बता दें कि चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट में 23 दिन बिताएगा और 48 दिनों बाद यानी कि 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरेगा। भारत की इस बड़ी सफलता पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे डॉक्टर रमेश कपूर, जो कि प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के। डॉक्टर कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए और भारतीय स्पेस रिसर्च के लिए यहाँ पर, लेकिन कई मायनों में ये सफर बस शुरू ही हुआ है। आपकी बात एकदम सही है। आज जितने भी लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर या वहाँ व्यूअर्स गैलरी से इस लॉन्च को होते देखा है और उसके बाद में डॉक्टर शिवन के शब्दों को सुना होगा, तो हर एक का सीना फूल के कुप्पा हो गया होगा। तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ख़ास इसलिए है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम करीब 20 साल से परफेक्ट कर रहे हैं। ये GSLV मार्क 3 में क्रायोजेनिक इंजन लगता है और उसकी टेक्नोलॉजी हमें 1999 या उससे थोड़ा पहले हमें उससे वंचित कर दिया गया था। तो इसरो ने तय किया कि हम खुद इसकी टेक्नोलॉजी निकालेंगे और 2014 से GSLV रॉकेट के कई परीक्षण हुए, कई लॉन्चेस हुए। आज ये आपके सामने ये सबसे उम्दा उदाहरण आ गया, क्योंकि GSLV मार्क 3 जो है ये इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, इसीलिए इसको पॉपुलर लेवल पर इसको बाहुबली भी कहा गया। ये अगर लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हमने पेलोड को पहुंचाना है तो करीब जो है ये 8 टन का पेलोड जो है पहुंचा सकता है, और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ये करीब 4 टन का वजनी इक्विपमेंट पहुंचा सकता है। तो जो चंद्रयान 2 है वो लगभग 4 टन के ही बराबर है, और हमने देखा कि कैसे 16 मिनट पार होते ही, लॉन्च के 16 मिनट पार होते ही ये चंद्रयान 2 रॉकेट से अलग हो गया और पृथ्वी की कक्षा में बंध गया। और तब डॉक्टर शिवन ने हमसे ये भी बताया था कि जो मूल रूप से जो ऑर्बिट तय किया गया था वो 170 गुणा करीब 39,000 किलोमीटर की के दीर्घ वृत्त का था, लेकिन ये चंद्रयान आज 170 गुणा 45,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में चला गया। तो इससे जो है चंद्रयान के फ्यूल में भी थोड़ी बचत हुई है, जिसका मतलब है कि ये मिशन थोड़ा लंबा चलाने के लिए इसको फ्यूल इसके बाद बच गया है। लेकिन एक चीज़ जो है कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि जब चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर दूर है और हमने पलायन वेग प्राप्त कर लिया है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो कि करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की है, तो हम सीधे चांद पे क्यों नहीं जा उतरते? तो उसके लिए हमें बहुत सारा फ्यूल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेते हैं, बाद में फिर हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का भी सहारा लेंगे। तो इसमें हम अपने चंद्रयान को हमने एक ऑर्बिट में डाल दिया है, इस ऑर्बिट को हम बढ़ाते जाएंगे, इसको 5 स्टेजेस में जाके बहुत बढ़ा देंगे, तो तब 170 गुणा करीब 1,41,000 किलोमीटर का ऑर्बिट हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की तक जाने की ट्रेजेक्ट्री में हम इसको डाल देंगे और उसी खिंचाव में ये चंद्रमा की तरफ बढ़ जाएगा, और करीब 5 दिन में ये चंद्रमा के पास पहुंचेगा और वहाँ इसको चंद्रमा की कक्षा में डाला जाएगा। वहाँ भी इसी प्रकार से हम चंद्रमा की कक्षा में डालते समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का हम सहारा लेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका ऑर्बिट हम सर्कुलराइज कर लेंगे और 7 सितंबर के दिन ये चंद्रयान से और के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर अलग हो जाएंगे। लैंडर के भीतर ही रोवर है, लैंडर फिर उसको धीमी गति से उसको चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रमा पर जब ऑर्बिटर की कक्षा करीब 100 गुणा 100 किलोमीटर की हो जाएगी, यानी सर्कुलर हो जाएगी,
तो ये हमको देखना है कि वो किस प्रकार से वो होती है। उसके आखिरी कुछ ऑर्बिट्स में फिर चंद ऑर्बिटर्स का कैमरा जो है वो उतरने वाली जगह की तस्वीरें लेगा और लैंडर को प्रेषित करेगा। तो तब लैंडर जो है जब चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना है तो वो अपना तय कर लेगा कि जिस जगह उतरना है वो जगह निर्बाध है, वहाँ कोई बड़े बड़े चट्टाने या पत्थर तो नहीं हैं और वहाँ स्लोप जो है एकदम ठीक है, करीब 12 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है सबसे डिफ़िकल्ट है, इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, जिसका अर्थ है कि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर धीमे से उतारना है। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए जाहिर है कि हम पैराशूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ इसको चंद्रमा की कक्षा में डाल के इस तरीके से नीचे उतारा जाएगा कि करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पहुंच जाए, उसके बाद इंजन बंद हो जाएगा, फिर स्क्रैमजेट्स की सहायता से इसको धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना है। तो ये जगह जो है जहां लैंडर को उतरना है वो जगह बहुत पहले से तय है। ये दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर है और इसका लैटिट्यूड जो है यानी कि अक्षांश वो करीब 71 डिग्री का है। तो वहाँ आप देखिए कि सूर्य जब मध्याह्न में करीब 19 डिग्री की ऊंचाई तक ही पहुँचेगा, लेकिन इतनी ऊंचाई भी काफ़ी है क्योंकि लैंडर पर सोलर पैनल लगे हैं और जो इसके अंदर से रोवर निकल के आएगा जिसको कि चंद्रमा की सतह पर इधर उधर घूमना है उसके ऊपर भी सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल के ज़रिए ये अपने शक्ति प्राप्त करेंगे और अपना काम करेंगे। ऑर्बिटर में करीब ऑर्बिटर में 8 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैंडर में 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साथ ही वीडियो कैमरा भी है। तो लैंडर में एक सीज्मोमीटर है जो कि चांद की धड़कन डॉक्टर कपूर को जान पाएगा। कपूर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पता चला है कि चंद्रमा भी सीज्मिक एक्टिविटी है। जी डॉक्टर कपूर, ये बताइए तो क्या एक होता है मैन्ड स्पेस क्राफ्ट, लेकिन ये मैन्ड नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारा जो प्रोसेस आपने हमें अभी समझाया विस्तार से, ये सारा कुछ जो है कंट्रोलिंग उसका श्रीहरिकोटा से किया जाएगा, इसरो के जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पर धरती में बैठकर इसे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मैन्ड स्पेस क्राफ्ट नहीं है। मैन्ड वाली स्थिति 2022 में आएगी, लेकिन इस GSLV मार्क 3 रॉकेट में ही क्रू मॉड्यूल को लगाया जा सकता है। फिलहाल अब यहाँ की बात करते हैं तो सारा जो कंट्रोल है, ये जैसे कि रोवर है वो लैंडर तक अपनी सूचनाएं प्रेषित करता है, लैंडर ऑर्बिटर के साथ संपर्क करता है, ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में है करीब 100 किलोमीटर ऊंचाई की। ऑर्बिटर जो है बेंगलोर के पास एक जगह है बयालालू, वहाँ इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क है, वो सारे संकेत सारी सूचनाएँ जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो यहाँ आएंगे। तो ये सिग्नल्स जो है जिस प्रकार से हम इकट्ठा करेंगे, जो डेटा सेंटर है यहाँ वो फिर इन सिग्नल्स को एनालाइज करेगा, विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स से प्राप्त जो सूचना है उसको फिर वैज्ञानिक लोग जांचेंगे परखेंगे और फिर अपने जो भी खोजबीन कर सकते हैं वो करेंगे। जी डॉक्टर कपूर, पहले सुन लेते डॉक्टर शिवन का क्या कहना था इसरो के चेयरमैन इस सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद। टुडे is a historical day for space and science and technology in India. I am extremely happy to announce that GSLV Mark 3 vehicle successfully injected Chandrayaan 2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our intended is better. That way, the satellite people have more life, more fuel, and for playing with the maneuvers. Actually, it is the beginning of a historical journey of India towards moon and to land at a place near South Pole to carry out scientific experiments to explore unexplored. In fact, after that a serious technical snag we had,
and we fixed that technical snag. Now ISRO bounced back with flying colors. बहुत है इसरो के चेयरमैन डॉक्टर शिवन उस लॉन्च के बाद. लेकिन डॉक्टर कपूर, जैसे आपने कहा कि इसमें वो टेक्नोलॉजी है जिसे भारत को वंचित किया गया था, कई मायनों में इसे भारत के घरेलू जुगाड़ जिसे कहते हैं, जो हमारी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी भी जीत है, और इसलिए भी बहुत बड़ी जीत है क्योंकि हम चंद्रमा के उस सतह की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं जहाँ तक शायद कोई इससे पहले पहुँच नहीं पाया है. एकदम सही बात है. देखिए, ये आज का जो मिशन है ये वैसे तो साइंस मिशन है, लेकिन इसके साथ साथ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का भी मिशन हो गया. और जहाँ वैज्ञानिकों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, इसरो के पास बहुत बड़ा एक अनुभव और इकट्ठा होगा, लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी है. आज की ये लॉन्च जो है और उसके बाद डॉक्टर शिवन के जो इलेक्ट्रीफाइंग वर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में सामाजिक स्तर पर जो नए युवा हैं जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको ये कितनी बड़ी प्रेरणा देगा. ये उपलब्धि जो है बहुमूल्य है. तो ये इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने और इंजीनियरों ने कुछ कर दिखाया है, और सब जो नए युवा हैं उनका भी मन करेगा हम कुछ इस प्रकार के फील्ड में काम करें जिससे हम समाज को योगदान दे सकें, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हम प्रवेश कर सकें, या और नहीं तो जिस भी तरीके से संभव है हम विज्ञान में दिलचस्पी रखें और नई नई बातों को जानना चाहें. तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और ये बात तो सर्वविदित है कि इसरो के जो भी मिशन हैं वो कम खर्चीले हैं, और इस प्रकार से नहीं है जितने खर्च में दूसरी स्पेस एजेंसीज अपनी मिशंस को पूरा करते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है. हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक समर्पित हैं, इंजीनियरिंग के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसरो के साथ जो जुड़े हुए हैं, और जो इंडस्ट्री इसरो के साथ जुड़ी है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. जी डॉक्टर कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया. साफ तौर पर भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है, भारतीय विज्ञान के लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत बड़ी जीत का ये दिन है. छोड़ जाएंगे आपको इंडिया के मून मिशन के शुरुआत, सफलतापूर्वक शुरुआत के इस फुटेज के साथ. समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो S200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड, दोनों का प्रज्वलन हो गया है, और उससे 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं. वी हैव अ लिफ्ट ऑफ, वी हैव अ लिफ्ट ऑफ, आपको सिर्फ नॉर्मल लिफ्ट ऑफ S200. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस. चंद्रमा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के पीस का इसकी गति और वेलोसिटी बने हुए के सामान आ रही हैं. अब ये रॉकेट